how are you today so let me know in the comment section that how are you doing today so in today's video we're going to again talk about lashes and this time we are talking about the product that glues the lashes to your eye and that is eyelash glue guess <laughs> never mind it but i didn't joke Uh yeah let's start the video

But this particular lash glue was like only 150 rupees and i thought wow i have to try that upar ऊपर से इसके ऊपर कुछ आई क्रीम सा लिखा हुआ था तो मैंने कहा यार ये आई क्रीम क्या है और है ये लैश ग्लू प्लस इसके साथ कुछ इस तरह का एप्लीकेटर भी मिल रहा था विच इज़ नॉट लाइक कि आप कोई टोंग है जिसे आप लैश पकड़ के आप लगा सकते हैं इसका भी आपको इस्तेमाल आगे चल के बताऊँगी अच्छा मैंने यहाँ पर ना अपने हाथ पे इसको अप्लाई करके देखा कि इस कितनी जल्दी आई लैश जो है वो ग्लू स्टिक हो जाती है अब मेरे पास यहाँ पर जो लैशेज़ हैं ना वो कोई अच्छे ब्रांड की नहीं है सो आर टोटली लोकल और इसका बैंड भी काफ़ी थिक है तो थिक बैंड को स्टिक करना ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो हैवी होता है और वो इतनी जल्दी ग्लू के साथ स्टिक नहीं होता बट यू विल सी इन जस्ट लाइक थ्री टू फोर और इवन टेन सेकेंड्स आपकी जो लैश है ना वो स्टिक हो जाएगी दिस ये एप्लीकेटर सिर्फ इसीलिए होता है कि आप अपनी आई जो आई लैश है उसको आप स्टिक कर सकें प्लस इसके साथ एक होल्डर भी मिलता है जिसको आप लगा कर अब सी बॉटल में आप रख सकते हैं और प्लस आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको चाहे तो अपनी इसकी जो केस है उसमें दोबारा डाल के आप रख लें नाउ यू कैन सी कि इन टेन सेकेंड्स मेरी लास्ट जो है वो स्टिक हो गई है इट मीन्स दैट प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड एंड इट्स डूइंग इट्स जॉब एंड हाईली रिकमेंड हिट और मैं अब आपको अपनी आइज़ पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसको लगाने से आइज़ पे कोई रिएक्शन वगैरह या कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं होती एज यू कैन सी कि वो देखें लास्ट जो है वो उसके बॉक्स में स्टिक नहीं हो रही पर मेरी हैंड पे बड़ी अच्छी तरह स्टिक होगी प्लस उतारने के बाद कोई स्टिकीनेस नहीं लगी और कोई मुझे इरिटेशन नहीं हुई अब मैं आपको फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ लगाने के मामले में बहुत कौन हूँ सो आई एम गोन ट्राई आई एम गोन ट्राई दिस एंड आई होप दिस टाइम आई एम नॉट गोन रिग्रेट बिकॉज दिस वॉज क्वाइट डिफरेंट एंड इट सेन टॉप ऑफ इट सो आई एम जिस को ना shake it, and uh, एप्लीकेटर बहुत आसान है इट्स अ ब्रश ट्यूब नहीं है कि कहीं पर आप स्कूज करें और ज्यादा निकल आए इट्स जिसके ऊपर प्रोडक्ट जो है काफी अच्छी से uh, आप एंडस पर ज्यादा लगाए क्योंकि एंडस घर पर कर जाते हैं वेट फॉर लाइक नेक्स्ट टेन सेकेंड्स और लैशेज में लगा रही हूं थ्रूली कोमल की आई रिसली बॉर्डर दे आर क्वाइट गर्ड और अपने स्पोर्ट्स डे पर भी मैं लगा के गई थी विद द सेम ग्लू एंड द गु डेड इट्स चौप एंड

फर्स्ट प्रोडक्ट इंड रियली वॉन्ट टू ट्राई देर शैम्पू सो होपफुल देखो कब आती है उसकी uh, yeah, सुनाए क्या हाल चाल है अभी उन लोगों में से है जो लैशेज लगाते हुए बहुत घबराते हैं आई वॉज वन ऑफ द मतलब पूरा मेकअप करने के बाद ना आई वॉज नॉट द पर्सन टू गो फॉर लैशेज एट ऑल पर सीरियसली मैंने जैरम नुमान को कहते सुना था Ke lashes truly, you know, lifts up your eye makeup. So, it took your eye makeup to the next level. And if you want that level, then you can definitely go for lashes. But if you not want that level, I you I'm okay where I am right now, then lashes are definitely not the things to go for. you can to Okay, and I'm just going to push it. दिस आई मेकअप ट्यूटोरियल मैंने नहीं रिकॉर्ड किया बस इट्स नॉट अ बिग थिंग बट आई डिड रिकॉर्ड द रेस्ट ऑफ द मेकअप यू विल गेट इट इफ यू वॉन्ट इट यू कैन सर्च इट इस बार कोई लिंक कोई आई बटन नहीं दूंगी yes. वो थ्री हो गए तो लोग नेवर माइंड इट फील्स लाइक ग्लू अभी ड्राई नहीं हुई है इट्स क्वाइट व्हाइट आई कैन स्टिल मूव इट बट लेट मी जस्ट टेक अ क्लोजर लुक कि मैंने सही भी लगाई हैं कि नहीं ओके मै ग्लू इज स्टिल वैट वट एम गोना डू एम जैस गो ना लाइनर ऑन टॉप ऑफ द लैश Uh, to hide it i say it's not that visible but just to be safe like this and uh, my eye makeup is looking nice i like it it's not that dramatic but it's nice so आई विल शेयर माई वर्ड अबाउट द लास्ट ब्लू वैसे मैंने इसको तकरीबन आठ घंटे यूज कर लिया है एंड आई थिंक द लाट ब्लू इज रियली गड कोई मुझे साइड इफेक्ट कोई कुछ नहीं हुआ एंड प्राइज भी ओ माई गॉड द बेस्ट पार्ट द प्राइज इज अमेजिंग इट्स नॉट मोर देन लाइक वन और टू हंड्रेड दैट मतलब विच लास्ट लॉन्ग लाइक टू ईर्स विच इज